Rolling and action. हाँ फिर की पुणे। अच्छा नहीं फिर वो टेस्ट किवें आता सी। हाँ ओके 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 बाय मामा बाय 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 बाय। सो मैं सोच रहा था यार आलू पराठा बनाऊं है ना, बट आलू पराठा नोबडी मेक्स लाइक मम्मा, तो मैंने मम्मा की रेसिपी ली है। सामान मेरे पास लगभग सारा है तो है कुछ नहीं एक्चुअली। आलू पराठे इज अबाउट टू थिंग्स, बाहर का डो और अंदर की फिलिंग। सो विल डू द डो फर्स्ट। सो आटा, लून। अब यहाँ पे मम्मा थोड़ा चीट करती है एंड आई लाइक दैट चीट एक्चुअली, सो इसलिए मैं इंडोर्स कर रहा हूँ उस चीट को। थोड़ा सा बिल्कुल नाम भर का बेसन करारा करने के लिए। उसके बाद अजवैन, कोई भी परौठी बगैर अजवाइन के तो नहीं बन सकती ना। बिल्कुल थोड़ा सा घी, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ऐसे बिल्कुल रगड़ना नहीं, उसको मोइन नहीं बनाना, बस हल्का सा फोल्ड कर लिया, ठीक है जी। एंड वाटर, द डो हैज टू बी सॉफ्ट, ऐसे पूरी की तरह कचौड़ी की तरह टाइट डो नहीं बनाना, इट हैज टू बी अ सॉफ्ट डो। तो पराठे के ना दो पॉसिबल लॉजिकल नाम है। एक तो कहते हैं भाई पराठा इसलिए बना बिकॉज परत और आटा जुड़ के, क्योंकि पराठे में परतें होती है ना, तो परत और आटे को जुड़ के पराठा बन गया। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि पराठा परात में गूंदा जाता है आटा, तो इसलिए परात, पराते से पराठा बन गया। यू नो वट एवर द लॉजिक माइट बी, यू नो द फैक्ट स्टिल इज के पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से हो, बांग्लादेश हो या फिर नीचे केरला हो, पराठा इज स्टिल अ कॉमन थ्रेड। और केरला ऐसी जगह जहाँ पे प्राइमरीली चावल खाया जाता है, वहाँ पर भी परोठा इज अ क्लासिक क्लासिक स्ट्रीट फूड। अगेन नेवर ओवरवर्क द डो, हाँ डो को ओवरवर्क नहीं करना कभी, ये ऐसे इसको हल्के हाथ से जस्ट इकट्ठा कर देना है बस। अच्छा जी अब क्या करें, हाँ फिलिंग। अच्छा पहले आलू, आलू हमेशा मैं ही कद्दूकस करता इसलिए याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कौन सी साइड से करता था। सबसे मोटी वाली साइड होती है। अभी अदकर, बीजी का अदकर, मिर्ची में कंजूसी नहीं, सवेरे सवेरे आंख खोलने के लिए मिर्ची बहुत जरूरी है। धनिया जो है पंजाबियों के ब्लड में होता है। अच्छा अभी क्या है ना, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि द कंसिस्टेंसी ऑफ द फिलिंग हैज़ टू बी सिमिलर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द डो। अगर वैसे वाले पराठे चाहिए ना एकदम भरे भरे स्टफ्ड, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। कुछ लोग प्याज डालते हैं, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड द अनियन, बट प्याज डालने के बाद तुरंत फिलिंग को यूज़ कर लो, बिकॉज प्याज अगर पड़ा रहेगा तो फिलिंग को खराब करेगा, पानी छोड़ेगा फिलिंग को खराब करेगा, स्मेल आएगी। लंबे समय तक पराठा रखना है या फिलिंग रखनी है तो प्याज नहीं डालना। एक बार डो रेडी हो गया ना तो उसके अंदर थोड़ा सा तेल। अच्छा परोठी बनानी है कि पराठा बनाना है? नहीं नहीं परोठियाँ भी स्वाद होती हैं, वो छोटी छोटी, मेरे पास सब्र नहीं है, मैं परोठा ही बनाता हूँ एकदम। अच्छा अभी दो तरीके हैं परोठियाँ बनाने के है ना, एक तरीका तो ये कि ऐसे खुद से कप बना लो, ये फिलिंग डालने में कंजूसी नहीं करनी, पुश इट डाउन और उसके
के बाद ऐसे दबा लिया इसको। ये जो है ना, ये मेरा नेमेसिस है, ये रोटी बेलना। मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं भाई साहब। तो यहाँ से दिख रही है ना बाहर से ये आलू पराठे की फिलिंग जो है बराबर फैली हुई है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो तभी बराबर फैलेगी जब कंसिस्टेंसी अच्छी होगी और अच्छे से भरी जाएगी। चलो परोठी की बजाय अभी परोठा बन रहा है ना, तो फिर तवा मोटा वाला लेता हूँ। पंजाबी में एक टर्म है राड़ना, तो उसको राड़ना बहुत जरूरी। राड़ना मतलब धीमी आंच पे सेकते रहना, वो बहुत जरूरी है। रेडी? आहा, मिर्च, आलू और टमाटर तीन ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत लेट आए हिंदुस्तान में, लगभग 170 साल पहले आए, और एक ऐसे देश में जिसका इतिहास जो है वो 10-12 हजार साल पुराना रिकॉर्डेड इतिहास है, उसमें आप इतना लेट आके इतनी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाए, ये कमाल इसलिए हुआ है बिकॉज आलू से पहले कंद इस्तेमाल होते थे, और कंद में कई बार गले में लगने की प्रॉब्लम होती थी, या फिर कई बार हार्शनेस होती थी, या कंद बड़े बड़े आते थे, मैनेज करना मुश्किल होता। तो आलू क्या था, आलू बिकेम द बाइट साइज सोर्स ऑफ स्टार्च, और दूसरा आलू की जो क्रीमीनेस थी ना वो हर कंद में नहीं आती। And that creaminess is what led potato to most of applications today. चाहे वो आलू टिक्की हो, बाहर का क्रस्ट अंदर की क्रीमिनेस, that's the play. या वो पराठा हो, बाहर का क्रस्ट अंदर की क्रीमिनेस, that's the play. So the creaminess that the potato gives is one of the biggest reasons it became so popular so fast in India. See, now you can see the filling, it's even बराबर फैली हुई है। अच्छा पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि ये होम स्टाइल नहीं है, ये घर का ही है। बिल्कुल घर की तरह रखनी है प्लेटिंग भी। मक्खन तो बड़ा जरूरी है जी, देखो ये गया अचार, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, दही विद लून एंड काली मिर्च इज कंपल्सरी विद पराठा। चलो जी खाएं फिर। रेडी? नहीं, आप अपना बनाइए ना वो रेसिपी देख के। एंड या प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन नेक्स्ट टू इट, इट विल जस्ट हेल्प अस स्टे इन टच।